तो जी आज क्या बन रहा है लिटिल कुकिंग में? आज बन रहा है सहजन की दंडी का रेसिपी। आप बताओ इसका और क्या क्या नाम है? इसको कई नाम से भारत में जाना जाता है, जैसे सहजन की दंडी आपने बोला है, मोरिंगा भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, दंठा भी बोलते हैं कहीं पे, सजना दंठा भी बोलते हैं, ड्रमस्टिक भी बोला जाता है, और जो कि फुल्ली मिनरल से भरा हुआ है। दोस्तों अगर हम इसको 100 ग्राम लेते हैं ड्रमस्टिक को, सहजन को ना, दंडी को, तो इसमें कैलोरी पाते हैं हम छबके और काब्स पाते हैं 3.7 ग्राम, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है जो कि है 4.8 ग्राम, और फैट मिलता है बिल्कुल ना के बराबर 0.01, और ये हाई प्रोटीन होता है। और इसमें और क्या क्या मिलता है? पोटाशियम मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है जो कि अपने आँखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, विटामिन सी भी मिलता है, कैल्शियम बहुत ही मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है। तो बेसिकली ये कफ, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसका सूप बना के पी सकते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा सांभर में छोटा छोटा दंठी मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की यह हेल्दी रेसिपी। सबसे पहले दोस्तों ड्रमस्टिक को अच्छे से वॉश कर दीजिए, उसके बाद इसको छोटा छोटा पीस कर दीजिए। अगर आप चाहे तो इसके साथ कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो, मैं इसको आलू के साथ बना रही हूँ। चलिए अब देख लेते हैं इसके लिए मसाला क्या क्या चाहिए। तो यहाँ हम सरसों, जीरा, लहसुन और लाल मिर्च यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मसाले मैडम यूज कर रहे हैं ना, इसको आप एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के, पहले पानी नहीं डालना, हल्का मिक्सी चलाना, क्योंकि सरसों है ना हमने भिगाया नहीं था, तो थोड़ा सा अपने पहले चला लेना हल्का हल्का से, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप कढ़ाई लीजिए और थोड़ा सा तेल इसमें डाल के इसको गर्म कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर जो हमने काट के रखा था सहजन की दंडी और जो आलू रखा था उसके थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और ये बताएंगे क्यों हम फ्राई करते हैं। चलिए आप बताओ हम इसको क्यों फ्राई कर रहे हैं। इसलिए फ्राई करते हैं इसका जो कच्चापन का जो स्मेल होता है ना वो चला जाता है। दोस्तों 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम इसको फ्राई करने के बाद अब समय बारी आती है इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था ना इसको मिलाने का। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही हेल्दी है, तो इसको मिला लीजिए। और इसमें जो बच गया है ना अभी थोड़ा गाढ़ी लग रहा है, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको इसी में मिला दीजिए। के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम मसाले में यूज़ करें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और 2 टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2 हरी मिर्च। के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिला लीजिए। बाद दोस्तों इसको ढक्कन देके 8 से 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। इसके बाद ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, इसका आप आनंद ले सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ। दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे हेल्दी रेसिपी मिलता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते एक और इंटरेस्टिंग हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं, आपका दिन शुभ रहे।